it on. लेडी डॉन बहुत घूमका है. राजधानी की रिवॉल्वर का फोटो शूट. दुर्गेश यादव को जमकर पीटा. पहले टॉर्चर किया फिर ठाई ठाई. पैसों के लिए देव ने मारी गोली. नौकरी और मर्डर. तो एक कत्ल सौ सवाल. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया. 2 सितंबर के दिन राजधानी लखनऊ के हाई प्रोफाइल एरिया में एक मर्डर होता है. मर्डर से पहले हत्यारे उसके साथ मारपीट करते हैं, उस पर लात घूंसों की बरसात की जाती है जिसका वीडियो भी बनाया जाता है. इसके बाद हत्यारे उस शख्स की गोली मारकर हत्या कर देते हैं. पुलिस इसकी जांच करती है तो ऐसा खुलासा होता है जो सबको सकते में डाल देता है. जमीन पर बैठे शख्स पर लात और घूंसे बरसाए जा रही हैं. 3 लोग जिनमें से एक महिला भी शामिल है बेरहमी से शख्स के साथ मारपीट कर रही है. अब ये दूसरी तस्वीर देखिए. मार झेल रहा शख्स अब सोफे पर बैठा है. जमीन पर खून के धब्बे लगे हैं. महिला बार बार शख्स से पैसे की बात कर रही है. महिला शख्स के बीच नोकझोंक हो रही है. इसी बीच महिला फिर से शख्स पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर देती है. अब आपको इन तस्वीरों की पूरी कहानी बताते हैं. दरअसल मार खा रहे शख्स का नाम दुर्गेश यादव है और ये महिला है पलक ठाकुर. कहा जा रहा है कि 2 सितंबर के दिन जब दुर्गेश यादव पीजीआई थाना क्षेत्र की वृंदावन कॉलोनी वाले फ्लैट में अकेला था, उस वक्त पलक ठाकुर अपने कुछ साथियों के साथ दुर्गेश के घर पहुंची थी. यहाँ पलक और दुर्गेश के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ. पलक और उसके साथियों ने दुर्गेश संग पहले खूब मारपीट की. इस मारपीट का उन्होंने वीडियो भी बनाया. तो
मारपीट के बाद पलक और उसके साथियों ने दुर्गेश के ही असलहे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पलक ठाकुर और उसके साथी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो दुर्गेश की हत्या का पर्दाफाश हो गया। घटना के चंद घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आरोपी पुलिस के सामने कई राज उगलते हैं। कहा जा रहा है कि जिस दुर्गेश यादव की हत्या की गई वो कोई आम शख्स नहीं था, उसके संपर्क लखनऊ सचिवालय तक के थे। दुर्गेश यादव की हत्या कर पलक ठाकुर मौके से फरार होने की फिराक में थी। हत्या के बाद पलक यादव का ये CCTV फुटेज सामने आया है। ये फुटेज हत्या के ठीक बाद का है। कहा जा रहा है कि पलक ठाकुर और उसका साथी मनीष हत्या कर लखनऊ छोड़ने की फिराक में थे, मगर पुलिस ने वक्त रहते उन्हें धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में पलक और मनीष ने जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला है। पुलिस पूछताछ में पलक ठाकुर ने बताया कि पैसों के लेन देन के चलते उसने दुर्गेश यादव को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि दुर्गेश यादव नौकरी के नाम पर ठगी का काम करता था। पिछली सरकार में रेलवे, सिंचाई और खाद रसद विभाग में नौकरी के नाम पर कई लोगों से करोड़ों वसूले थे। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर साल 2018 में ठगी का मामला भी दर्ज हो चुका है। कहा जा रहा है कि पुलिस में शिकायत के बावजूद दुर्गेश नौकरी के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठता रहा। सचिवालय में नौकरी दिलवाने के नाम पर पलक और मनीष से भी दुर्गेश ने करीब 90 लाख रुपए वसूले थे, मगर दुर्गेश ने किसी की भी नौकरी नहीं लगवाई। नौकरी नहीं मिलने पर जब आरोपी पलक ठाकुर और मनीष ने पैसों की मांग की तो दुर्गेश दोनों को वो टालता रहा। इस पर 2 सितंबर को दोनों ने मिलकर दुर्गेश की आखिरकार हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद पुलिस ने दुर्गेश के घर की जांच की तो वहां से मार्कशीट, मोहरे, सचिवालय का पास और आवेदन पत्र बरामद हुए। इसके अलावा सिंचाई, रेलवे, खाद एवं रसद विभाग की नियुक्ति पत्र और मोहरे समेत कई दस्तावेज बरामद हुए। दुर्गेश यादव के घर से बरामद हुए दस्तावेज अब सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि दुर्गेश की पकड़ सचिवालय तक थी। गृह विभाग में तैनात कोई बड़ा अधिकारी दुर्गेश यादव का गुरु था। सूत्रों के मुताबिक इस अधिकारी के सहारे ही दुर्गेश यादव सचिवालय में नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे ठगा करता था। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि दुर्गेश लखनऊ के जिस फ्लैट में रहता था वो फ्लैट भी उसी अधिकारी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भले ही पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया हो लेकिन 3 अब भी फरार हैं। इसी के चलते आरोपी पलक ठाकुर, मनीष यादव से भी दुर्गेश यादव ने पैसा लिए थे। पलक ठाकुर चाहती थी कि उसे सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाए क्योंकि वो ग्रेजुएशन पास थी, सर्जरी का काम जानती थी। इसी के चलते उसने दुर्गेश यादव को करीब 8 लाख रुपए दिए थे, लेकिन दुर्गेश यादव लगातार उसे टरका रहा था और उसे नौकरी नहीं दे रहा था। इसी के चलते पलक ठाकुर और मनीष यादव अपने कुछ साथियों के साथ इसी घर में दुर्गेश यादव से पैसे लेने आती हैं। एक बकायदा एक वीडियो तैयार किया जाता है। वीडियो में पलक ठाकुर, मनीष यादव अपने कुछ साथियों के साथ दुर्गेश यादव की जमकर पिटाई करते हैं। उस वीडियो में साफ तौर पर पलक ठाकुर कहती है कि उसके 16 लाख रुपए उसने हड़प लिए हैं और वो कब वापस करेगा। पलक ठाकुर ने खुद के पैसे तो दिए ही थे, साथ ही साथ मनीष यादव ने कुछ लोगों से भी नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठे थे और वीडियो बनाकर
वो ये दिखाना चाहते थे कि उनके भी पैसे दुर्गेश यादव ने ऐठ लिए हैं। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या दुर्गेश हत्याकांड के तार सचिवालय से भी जुड़े थे? हत्याकांड सचिवालय का कनेक्शन क्या है? विधानसभा सचिवालय से कैसे जुड़ा दुर्गेश यादव का कनेक्शन? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल। दुर्गेश के पास सरकारी विभागों के नियुक्ति पत्र आए कहां से और किस दम पर दुर्गेश सचिवालय में बेरोक टोक आया जाया करता था? दुर्गेश यादव को सचिवालय का पास किसके सहारे मिला? किससे थी उसकी साठ का? किससे थी उसकी सेटिंग? क्या गृह विभाग का कोई अधिकारी दुर्गेश का गॉडफादर था? एक कत्ल और 100 सवाल, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ यूके मित्तल, रिटायर्ड आईएएस, वो भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे संवाददाता गगन मिश्रा, इसके अलावा हमारे रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र भी जुड़ेंगे लखनऊ से। चलिए तो यहां आपको बता दें, हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता दरअसल हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जानकारी लेते हैं लखनऊ से, गगन मिश्रा हमारे साथ है। गगन मिश्रा, ये बताइए कि अब मामला कहां तक पहुंचा है और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, उनका क्या कुछ किरदार था और जो वीडियो भी सामने आया उसमें 2 की गिरफ्तारी, उसमें भी कुछ लोग शामिल, यानी कि 2 से ज्यादा तादाद वहां भी नजर आ रही है वीडियो में। देखिए बिल्कुल, इस वारदात में करीब 6 लोगों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें अभी पलक और मनीष यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। पलक और मनीष यादव कोई साथी नहीं थे, ये इसी तरह से सामने आए थे क्योंकि मनीष यादव के भी पैसे दुर्गेश यादव ने ऐठे थे सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर। पलक यादव जो खुद एक सर्जिकल असिस्टेंट हैं और सरकारी अस्पताल में नौकरी चाहती थी, जिसके लिए 8 लाख रुपए उन्होंने, जैसा कि पलक ठाकुर का कहना है, दुर्गेश यादव को उन्होंने पैसे दिए थे। फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी है, 4 अन्य की तलाश की जा रही है। आखिरकार वो लोग कौन थे, इसमें एक अनिल यादव है, मनीष यादव और पलक ठाकुर, जिसमें 3 लोग के नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें मनीष और पलक ठाकुर गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मामला जब खुला है तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो दुर्गेश यादव है, कई सालों से, क्योंकि 2014 से लेकर 2018 तक उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें लूट डकैती के समय समेत 420 का भी मुकदमा दर्ज है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में उसके खिलाफ सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। तो साफ तौर पर बड़ा अपराधी था, सचिवालय में नौकरी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता था, सचिवालय में भी उसके कई कर्मचारियों और अधिकारियों से पहचान थी, उनकी कुर्सियों में बैठ के फोटो खिंचवाता था, सचिवालय के अंदर एंट्री करता था, 4 नंबर गेट से वो लोगों को लेके जाता था। तो तमाम चीजें जो सामने आई है काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि पिछली सरकार में जब सीधी भर्तियां होती थी तब आसान था सचिवालय में या कहीं पर भी नौकरी दिलवाना। तो दुर्गेश यादव ने अपना एक नया धंधा शुरू कर रखा था, लेकिन ये सरकार आते आते जब योगी सरकार आई तो काफी चेंज बदलाव हुए, सीधी भर्ती बंद कर दी गई, जेम पोर्टल के द्वारा एक भर्तियां की गई, हायरिंग कर दी गई। तो दुर्गेश यादव अब परेशान हो चुका था, लोगों से पैसे ले चुका था। अच्छा। सामने आ रही है करीब 90 लाख रुपए उसने मनीष यादव और, ठीक है गगन, ये बताइए कि दरअसल एक सवाल आपसे और करूंगा, ये बताइए कि जिस दौरान ये वीडियो बनाया जा रहा है, बताया ये भी जा रहा है कि उस कमरे में दुर्गेश यादव के कई सहयोगी बंद कर दिए गए पहले बंदूक की नोक पर। देखिए बिल्कुल, 4 लोग दुर्गेश यादव के अलावा 4 लोग उस और मकान में और मौजूद थे, मानवेंद्र मौजूद थे, जोगेंद्र मौजूद थे, अनिल यादव मौजूद थे, एक व्यक्ति और मौजूद था, 4 लोग मौजूद थे। उन्हें पहले कमरे में बंद किया जाता है, उसके बाद दुर्गेश यादव को 3rd डिग्री दी जाती है पलक ठाकुर और उनके सहयोगी द्वारा, और पलक ठाकुर जिस तरह से देखने को मिल रहा है वीडियो में उससे भी ज्यादा वर्चस्व वाली, या वर्चस्व कह सकते हैं, दबंग टाइप की लेडी थी, क्योंकि जहां पर वो रह रही थी वहां पड़ोसियों में भी काफी। हरेंद्र दुबे का भी एक बार रुख करेंगे, गोरखपुर से हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे। हरेंद्र, ये बताइए कि गोरखपुर से वो उस दौरान लखनऊ पहुंचा था जहां उसका कत्ल हो गया, गोरखपुर में ये बताइए कि उसका धंधा कैसे फल फूल रहा था? हालांकि ये बताया जा रहा है कि पिछली सरकार में उसकी चांदी थी, लेकिन अब जब सरकार बदली थी इसके बाद ये थोड़ा परेशान था। कुलदीप, हम बताना चाहेंगे कि ये दुर्गेश यादव गोरखपुर के दक्षिणांचल में अपनी हनक बनाया था, खास तौर से बड़ैलगंज, गोला, उरुआ, बेलघाट, 4 थानों में उसकी हनक थी। उसके ऊपर 2014 में भी गंगेश्वर की कार्रवाई हुई थी, 2011 में भी हिस्ट्री सीटर घोषित किया गया था। यहाँ तक कि लूट, हत्या,
और रंगदारी मांगने का आधा दर्जन से अधिक मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, तीन थानों में मुकदमा दर्ज है। हालांकि गोला पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भी भेजी थी, लेकिन अपनी सरूक और अपनी पहुंच के बदौलत तो जेल से रिहा हुआ और गोरखपुर छोड़ करके लखनऊ में अपना नया धंधा शुरू कर दिया। ठीक है, हरेंद्र, ये बताइए शख्स दुर्गेश यादव क्या बला थी, ये समझना चाहेंगे, क्योंकि असॉल्ट राइफल के साथ वो अपनी पिक्चरें तस्वीरें खिंचवाता था, उन्हें अपलोड करता था, यानी कि एक बड़े स्तर का बदमाश था। वो एक फ्लैट के अंदर एक महिला से पिटता रहा, अगर वो हिस्ट्री शीटर है तो फिर इतनी आसानी से वो पिटता कैसे रहा? कुलदीप, सही बात है कि वो गोरखपुर जिले का दक्षिणांचल का हिस्ट्री शीटर पुलिस ने घोषित किया था, उसके ऊपर 20,000 का इनाम भी घोषित किया था, लेकिन कुछ रसूखदारों के चलते, सफेद पोशों के चलते वो बचता रहा। खासतौर से पिछली सरकार में उसकी दबदबा इस कदर थी कि वो जो चाहता था वो कर लेता था, मंत्री के दबाव में, सबके दबाव को लेकर के वो सबके लिए काम करता था, खासतौर से बालू खनन करने वाले लोगों से रंगदारी मांगता था, और दूसरी चीज बड़े बड़े व्यापारियों से भी रंगदारी मांगता था। रंगदारी मांगने के मामले में ही गोला थाने से वो जेल गया था, लेकिन अपने रसूख और अपने पहुंच के बदौलत वो जेल से रिहा हो गया। चलिए ठीक है, रिटायर्ड आईएएस के मित्तल साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हम तो समझते थे कि सचिवालयों से महज नीतियां बनाई जाती हैं, राज्य सरकारें या केंद्रीय कैबिनेट में इस तरीके से देश भर के लिए नीतियां बनती, लेकिन ऐसा लगता है जो बिकरू कांड हमने देखा उसका भी एक मुख्य आरोपी, उसकी कितनी सेटिंग थी सचिवालय में, क्या सचिवालय में इतनी आसानी से ऐसा धंधा चल सकता है? देखिए, ऐसा है कि सचिवालय का धंधा की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए सचिवालय जाने की जरूरत नहीं है। जैसे वीडियो में भी दिखाई दे रहा है और आपकी न्यूज में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें यह है कि जिस व्यक्ति के घर में ये रहता था वो खुद सचिवालय कर्मी है, गृह विभाग में, जैसा आप बता रहे हैं गृह विभाग में काम करता था, तो ऐसी परिस्थिति में उसका पास बन जाने में भी मैं समझता हूँ कि शायद कोई कठिनाई न रही हो। और सचिवालय जाने की उसको, अगर वो जाता था, उसके साथ जाता था, पास के माध्यम से जाता, वो एक अलग विषय है, लेकिन ऐसे काम के लिए सचिवालय जाने की आवश्यकता ही क्या है जब सारा काम घर बैठे और उस सचिवालय कर्मी के माध्यम से हो सकता है। अच्छा, एक, और जैसा आप देख रहे हैं, और एक चीज और मैं कहूंगा, एक चीज और कहूंगा, जितना पैसा इसने लिया, जितने मुकदमे इसके खिलाफ हैं और जितना हिस्ट्री शीटर ये बताया जा रहा है, तो ये तो एक बड़ी नाकामी है हमारे पुलिस प्रशासन की कि इसके विरुद्ध कार्रवाई अभी तक हुई क्यों नहीं, इसको पकड़ा क्यों नहीं गया, इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं हुई, इस अंजाम तक इसको आने क्यों दिया गया। ये तो पहले ये भी देखना चाहिए, इसमें कार्रवाई समय पे अगर हो तो शायद इस प्रकार की गंभीर घटनाएं ना हो, और जिस प्रकार की ये घटना पलक और उसके साथ ही ये कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये उनका रिटेलिएशन है। पैसा वो लेने वाला, इसीलिए आप कह रहे हैं कि वो पिट क्यों रहा है, इसलिए पिट रहा है कि पैसे लेके बैठा हुआ। मित्तल जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, गगन आप भी बने रहिए, हरेंद्र आप भी बने रहिए, फिलहाल यहां रुकेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। यहां आपको बता दें, गोरखपुर से एक हिस्ट्री शीटर जो लखनऊ आता है उसका कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन कत्ल करने से पहले बकायदा उसका एक वीडियो बनाया जाता है, उसमें अच्छी खासी मारपीट की जाती है, और फिर जब खबरें खुलती हैं, हालांकि आरोपी पकड़े जाते हैं, कुछ आरोपी फरार भी रहते हैं, लेकिन जब खबर खुलती है तो पता ही ये चलता है कि दुर्गेश यादव एक अच्छा खासा सांठगांठ रखने वाला, सचिवालय से सांठगांठ रखने वाला शख्स था, और उस आधार पर वो पैसे लोगों से ऐठा करता था नौकरी दिलवाने के नाम पर। यूके मित्तल साहब, एक बार फिर आप पर लौटूंगा, मुझे ये बताइए कि आज मेरा मन भर जाता है, खबरों से मैं तंग आ जाता हूं, खबरें पढ़ने का मन नहीं करता और दिल करता है कि सचिवालय में नौकरी मिल जाए, मेरे पास 15-20 लाख रुपए हैं तो सेटिंग के साथ क्या सचिवालय या सचिवालय के जरिए किसी विभाग में नौकरी पाना कितना आसान है? इतना आसान नहीं है। रेगुलर नौकरी पाना किसी भी दिशा में आजकल आसान नहीं है, उसके लिए पूरी सिस्टम, पूरी व्यवस्था बनी हुई है, और उस व्यवस्था के बिना अगर आप नौकरी पाने की लालसा रखते हैं तो आप खुद गलतफहमी में हैं। एक बिना सिस्टम के आपको पक्की नौकरी मिल ही नहीं सकती, उसके लिए चाहे आपको ये सर्व क्या नाम है सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन के माध्यम से जाना पड़े, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जाना पड़े, लेकिन ऐसे नौकरी मिलती नहीं है, इसलिए ये कहना। अच्छा, एक छोटा सा सवाल यूके मित्तल साहब आपसे करूंगा, अगर कहीं साठगांठ होती है सचिवालय में और उसके आधार पर नौकरी दिलवाई जाती है, इसका मतलब चढ़ावा जो है कई स्तर पर चढ़ता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं? कुछ ना कुछ तो रहता होगा। तो फिर इस तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो आपको लगता है कि ऐसे तो आधा सचिवालय खाली होकर रह जाएगा?
नहीं, आधार पौने की बात नहीं है, अब ये कितने मामलों में था, ये किसी एक जगह दो जगह तीन जगह रहा होगा, पूरे सचिवालय में थोड़ी रहा होगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये सांठगांठ के नाम पर नौकरियां दिलवाने वाला ये इकलौता शख्स तो नहीं होगा मित्तल साहब? जी बिल्कुल नहीं होगा, अब और हो भी सकते हैं, ये मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन इसके विषय में अभी से क्या कहा जाए बिना जानकारी के कि हाँ वाकई में और शख्स भी थे कि नहीं थे, क्या था, लेकिन दोषी जो है वो केवल सचिवालय सिस्टम दोषी नहीं है, उससे ज्यादा दोषी ये बाहर के लोग हैं जो गलत फहमी में रहते हैं कि साहब इससे मिल लें उससे मिल लें और हमको नौकरी मिल जाएगी। अब उसके घर से जो आपको जांच पत्र बरामद हुए हैं वो किस हद तक असली हैं, मैं तो नहीं समझता उसमें से कोई असली होगा। आजकल आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर पर बैठिए कलर प्रिंट से सब चीजें ओरिजिनल रूप में ऐसी निकल के आएंगी आपके सामने कि लगेगा बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है, तो आप गलत फहमी में इसमें रहते हैं कि हाँ ये मिल गया। ठीक है, मित्तल साहब यहाँ पर एक बार फिर लखनऊ का रुख करेंगे, गगन मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। गगन ये बताइए कि अब जो बाकी फरार आरोपी हैं उनकी तलाश कितनी आगे तक बढ़ चुकी है, क्या हत्थे लगने वाले हैं पुलिस के? देखिए बिल्कुल, बाकी जो चार अन्य आरोपी हैं उनकी शिनाख्त हो चुकी है लगभग पुलिस को और पुलिस उनको ढूंढ रही है, लेकिन कुलदीप सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी मित्तल साहब ने बताया कि ये पुलिस का फेलियर है। गोरखपुर से एक सातिर अपराधी जो लगभग 8 मुकदमों में वांछित है, वो घिस्टी सीटर घोषित हो चुका है, गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है, उसके बावजूद वो लखनऊ में आसरा बनाकर रह रहा है, वो भी एक गृह विभाग के कर्मचारी के घर में। सबसे बड़ी बात है कि एक गृह विभाग जिसके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मॉनिटरिंग करना, उसी विभाग का एक कर्मचारी अपने घर में एक सातिर अपराधी को पना दिए है, वो भी किसी रेंट एग्रीमेंट के बिना, या वो भी उसका वेरिफिकेशन नहीं कराया जाता है। वो अपराधी वहां रहकर पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों से पैसे ऐंठ रहा है, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्तियां करा रहा है, फर्जी सचिवालय पास बनवाकर अंदर एंट्री करता है, वहां अधिकारियों कर्मचारियों के कमरे में बैठकर यही गगन मिश्र यही आपसे जानना चाहेंगे, ये अधिकारी कौन है, कर्मचारी कौन है और इसकी क्या गिरफ्तारी अब तक हुई? देखिए कुलदीप, अभी मित्तल सर ने जैसे बताया कि सचिवालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो घर बैठ कर काम कर सकता है, लेकिन आपको बता दें लखनऊ में कई ऐसे अपराधी पकड़े गए हैं जो इसी तरह से नटवर गोए होते हैं, नटवर गिरी करते हैं, लोगों को ठगते हैं। उनका एक होता है कि सचिवालय के अंदर जाकर वहीं से अपने कैंडिडेट्स को अंदर बुलवाते हैं, जिससे यूके मित्तल साहब आप R9 TV से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक कत्ल और 100 सवाल इसलिए भी एक शख्स को मिटा दिया जाता है, और क्यों मिटाया जाता है, क्योंकि उसको चढ़ावा दिया जाता है कि सरकारी नौकरी लगवा दी जाए। अब ऐसे में वो लोग भी सरासर दोषी हैं जो इनोवेटिव नहीं बनना चाहते लेकिन लाखों रुपया खर्च करके सरकारी नौकरी की आस में रहते। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए R9 TV के साथ सिर्फ खबर के लिए।